जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। एक बार की बात है, बाबा जी एक नाई की दुकान में अपनी दाढ़ी बनवाने गए। जब महाराज जी की दाढ़ी बहुत घनी हो जाती थी तभी वो उसे बनवाने के लिए जाते थे। अब जिस नाई से वो दाढ़ी बनवा रहे थे तो दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। नाई ने रोते रोते कहा, मेरा एक लड़का था और वो घर से रूठ कर कहीं भाग गया। महाराज जी, मैंने उसकी बहुत खोज कराई लेकिन मुझे कोई अता पता नहीं मिला। मेरे घर में बहुत उदासी है। और ये कहते कहते वो रुआसा सा हो गया। नीम करोली बाबा किसी के आंसू देख ही नहीं पाते थे। महाराज जी बोले, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तब नाई बोला, सभी लोग यही कहते हैं, सारे साधु संत यही कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन कब आएगा मेरा बेटा। नाई के ऐसा कहते ही बाबा ने लघु शंका की इच्छा जताई और कहा, मैं अभी लघु शंका करके आता हूं। अपने सीने से नाई का वो कपड़ा हटाकर वो बाहर चले गए। उनकी दाढ़ी आधी ही बनी हुई थी और कुछ देर बाद पुनः वापस आ गए और बैठकर अपनी पूरी दाढ़ी बनवा ली और जाते जाते बोले, आ जाएगा तुम्हारा बेटा, जल्दी आ जाएगा। दूसरे दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उस नाई का बेटा घर वापस आ गया। ये देख के नाई चकित रह गया कि मेरा बेटा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। जिज्ञासावश नाई ने उससे पूछा, अरे बेटा तुम कहां थे, कैसे वापस आ गए। नाई के बेटे ने नाई को बताया, कल जब मैं एक होटल में बर्तन धो रहा था तब कोई महान साधु जैसा व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी दाढ़ी सिर्फ आधी बनी हुई थी और मेरे पास आके बोला, जल्दी घर जाओ, सब लोग चिंतित हैं, तेरी गाड़ी छूटने वाली है, तेरा बाप तुझे बहुत याद करता है। और मुझे टिकट के पैसे भी दिए और वहां से चले गए। ये सुन के नाई हतप्रभ रह गया। वो समझ गया कि ये नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है।